सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क को, यहाँ सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर भी टच कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस लगातार मिलती रहें और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और ये बिल्कुल फ्री भी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जॉब वर्क के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जियो ने अपने फ़ोन की बुकिंग जो लोगों ने कराई थी उसकी डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। कई लोगों को फ़ोन मिल भी चुका है और कई लोग अपने फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें अपने फ़ोन के स्टेटस के बारे में ही नहीं पता कि उनका फ़ोन कब आएगा, कहाँ है या उसे कैसे देखें। जी हाँ दोस्तों, हम अपने फ़ोन का स्टेटस पता कर सकते हैं कि वो हमें कितने दिनों में मिलेगा या कब तक हमारे पास पहुँचेगा। तो जियो ने कुछ ऐसी सर्विस अपनी स्टार्ट कर रखी है जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन अभी कहाँ है या आपके पास कब तक पहुँचेगा या किसके पास जाकर आपको फ़ोन लेना होगा। तो यही सब बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है, इसे आप एंड तक देखते रहिए, इससे आप अपने फ़ोन का पता कर सकते हैं। देखिए, मैंने कोई फ़ोन की बुकिंग नहीं करी, लेकिन मेरा मकसद यही है कि मैं आपको ये हेल्प कर सकूँ कि आप किस तरह से अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं और अपने फ़ोन का आप जो इंतज़ार कर रहे हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं कि कितने टाइम बाद वो आपके हाथ में होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आप माई जियो ऐप को ओपन कीजिए। माई जियो ऐप आपके फ़ोन में होगी और उसी से ही आपने फ़ोन बुक किया होगा। आप माई जियो ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद ये देखिए, इस साइड में आप जाएंगे तो आपको ये मैनेज बुकिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आप ये मैनेज बुकिंग पे आप जब क्लिक करेंगे तो देखिए, मैंने कोई बुकिंग नहीं करी इसलिए इसके अंदर मेरा कोई ऐसा बुकिंग का शो नहीं होगा, आप देख सकते हैं। और अगर आपने बुकिंग कर रखी होगी तो यहीं पे आपका जो भी यहीं पे शो होगा। तो मैंने कोई बुकिंग नहीं की इसलिए मेरा कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप इस पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा गया होगा जो आपने मोबाइल नंबर से बुकिंग करवाई है। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर मांगा होगा, जैसे आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP आते ही वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा एक मैसेज के थ्रू कि आपका फ़ोन इस दुकान से इस तारीख को आपको जाकर ले लेना है, और साथ में आपको 1000 रुपये ले जाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि हमने सिर्फ 500 रुपये दिए थे फ़ोन के लिए और अभी हमें 1000 रुपये और देने हैं। तो वहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा आपके लिए कि आपको इस शॉप पर जाकर अपना फ़ोन ले लेना है और आपको 1000 रुपये वहाँ पर देने हैं, और उसमें आपको तारीख और शॉप का नाम बता दिया जाएगा जहां से आपको फ़ोन कलेक्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन है, आप कस्टमर केयर के पास फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कब मिलेगा या कब तक आपके पास पहुंचेगा। वो नंबर हम आपको बता देते हैं, 1-800-890-8900। ये नंबर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है। इस नंबर पर जैसे ही आप कॉल करेंगे, लेकिन ध्यान रहिए आपको उसी नंबर से कॉल करना है जो नंबर आपका रजिस्टर्ड है, जिस नंबर से आपने बुकिंग करी है उस नंबर से आप फ़ोन कीजिए। जैसे ही आप फ़ोन करेंगे एक कंप्यूटर सपोर्ट सिस्टम आपको फ़ोन पर बात करेगा और आपके फ़ोन की सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी, आपका वाउचर नंबर वगैरह वो तैयार रखिएगा। और जैसे ही आप उनके सवालों का जवाब देंगे और जो भी आपसे पूछा जाता है वो सही से आप बता देंगे, तो आपके फ़ोन की स्टेटस कि आपका फ़ोन कहाँ है, किस तारीख को कहाँ पर किसके पास जाने से वो फ़ोन आपको मिलेगा, ये सारी डिटेल आपको फ़ोन पर बता दी जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप या तो माई जियो ऐप से आप पता कर सकते हैं या आप इस नंबर पर जाकर भी कस्टमर केयर से पता कर सकते हैं, और आपको वो बता देंगे कि आपका फ़ोन इस तारीख को इस दुकान पर जाने से मिल जाएगा, बस आप अपने साथ में 1000 रुपये ले जाइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं आपका जियो का फ़ोन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।